सबरी संकल्प योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। 13 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट कर्मचारियों ने गुरुवार को किया कार्य बहिष्कार। 22 जनवरी को विधानसभा घेरने की दी चेतावनी। खराब मौसम के कारण 10 बजे से 4 बजे तक ही खुलेंगे सभी स्कूल, डीएम ने दिया आदेश। पर्यावरण संरक्षण को लेकर 24 दिसंबर को हिंदू युवा वाहिनी निकालेगी जन जागरण साइकिल यात्रा। अखिल भारतीय प्राइज मनी फुटबॉल प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में केरला ने उड़ीसा को हराया। शुक्रवार को फाइनल में सीआरपीएफ से भिड़ेगा केरल। 50 पुड़िया स्मैक के साथ एक युवा गिरफ्तार, पुलिस पर फायरिंग कर साथी हुआ फरार। न्याय की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने किया कार्य बहिष्कार, कहा मांग पूरी होने तक जारी रहेगा आंदोलन। 23 दिसंबर से आरंभ होगा 9 दिवसीय श्री राम कथा। जिलाधिकारी राजीव रौतेला की अध्यक्षता में आयोजित हुई मुख्यमंत्री हेल्पलाइन प्रशिक्षण बैठक, कहा कोताही बरतने वालों पर होगी कार्रवाई। 23 दिसंबर को 11 बजे से कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित होगा शस्त्र पंचायत। वर्तमान मौसम में फसलों को सूखा रोग होने का खतरा, अधीक्षक राजकीय उद्यान ने दी जानकारी। टीबी रोग उन्मूलन 26 दिसंबर से 9 जनवरी 2018 तक संचालित होगा एक्टिव केस फाइंडिंग। खोराबार ब्लॉक में एक माह के अंदर 217 बच्चे हुए कुपोषण मुक्त। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 17,370 आवास हुए स्वीकृत। और MGPG कॉलेज के वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता के जैवलिन थ्रो में प्रीति ने मारी।